हेलो फ्रेंड्स, मैं सरसात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ व्रत या फिर फास्ट की। आपने राजगिरी के पराठे पूरी तो जरूर खाए होंगे, लेकिन जब आप उसे खाते हैं तो वो थोड़े से ड्राई होते हैं। तो आज मैं एक यूनिक सा इंग्रेडिएंट उसमें ऐड करूंगी जो सभी लोग व्रत में खा सकते हैं। तो आप उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को देखने के लिए मेरी रेसिपी को स्टार्ट से एंड तक देखें, और मैं बीच बीच में कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी राजगिरी से रिलेटेड और इस रेसिपी से रिलेटेड। तो आप प्लीज इसको जरूर देखें। आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। इन पराठों को खस्ता बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ आलू। तो आप इन आलुओं को अच्छे से ग्रेट कर लें, महीन वाले कद्दूकस से ही ग्रेट करें। आपने स्टफ्ड राजगिरी के पराठे भी देखे होंगे कि आलू की स्टफिंग करी होगी, बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है, और जैसे कि मैंने बताया जो आटा है वो थोड़ा ड्राई होता है तो किनाठे बहुत फटते हैं उसमें, तो थोड़ा सा नए लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है उसको बनाना। तो यहाँ पे अगर आप इस मेथड से जैसे मैं बता रही हूँ वैसे अगर आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर इस रेसिपी को लाइक करेंगे। यहाँ पे आप आलू को मैश कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसको कद्दूकस ही करें, उससे बिल्कुल इवन हो जाएगा जो हमारे आलू का मिक्सचर है। इसमें अब मैं डालूँगी राजगिरी का आटा। राजगिरी का आटा बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, इसमें आयरन की क्वांटिटी बहुत होती है, फाइबर, और ये हम जैसे व्रत में खाते हैं तो हमारे पेट को काफ़ी देर तक फुल रखता है। आपको जल्दी से भूख नहीं लगेगी अगर आपने इसके पराठे या इसकी बनी कोई डिश खा ली तो। इसको हम हल्के आंच से मिलाएंगे आपस में। जैसा कि मैं इसको व्रत के लिए बना रही हूँ तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में यूज़ करूँगी, क्योंकि हम काफ़ी मसाले तो खाते ही नहीं हैं व्रत में। तो अब मैं इसमें डालूँगी सेंधा नमक, अपने स्वाद के हिसाब से आप डालें, हरी मिर्च, घी, मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून डाला है, और थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आप खाना प्रेफर नहीं करते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, हरी मिर्च और हरे धनिया को। अभी तक मैंने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करा है, तो अगर आपको ज़रूरत ना हो तो आप ना यूज़ करें पानी को, क्योंकि आलू में ही अपना काफ़ी मॉइस्चर होता है। जो हमने यहाँ पे घी डाला है उससे बहुत ही खस्ता और क्रिस्प होंगे हमारे पराठे, और वैसे भी देसी घी तो बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ फैट है हमारी बॉडी के लिए। गुड फैट्स में आता है देसी घी, जो कि हमारी बोन्स, हमारे हार्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बिना पानी यूज़ करे हमारा एक सॉफ्ट सा डो रेडी हो गया है। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे और फिर हम अपने पराठे बेलेंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे आपको 2 तरीके से पराठे बताऊँगी। एक तो हम सूखा आटा यूज़ करके पराठा बेलेंगे, और एक घी लगा करके, और मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताऊँगी। पहले हम घी वाला यूज़ करते हैं, हाथ में हल्का सा घी लगा लें। इससे जो लुक है पराठे का, टेस्ट दोनों ही बहुत डिफरेंट आएंगे। आप देखिए, हमने एक थोड़ा मोटा बनता है इसका पराठा, रेगुलर पराठा जो हम बनाते हैं, और इसको हल्के हाथ से उठाना है। आपको दिखाती हूँ, ये मैंने बनाया है घी से। आप इसको ऐसे हाथ में लेकर भी इसको थोड़ा सा दबा सकते हैं, इससे भी आपका जो पराठा है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। हमारा तवा गरम हो गया है, इस पर हम देसी घी लगाएंगे थोड़ा सा। यहाँ मैं लोहे का तवा यूज़ कर रही हूँ, आप नॉनस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पराठा उठाया और इसको डाल दिया। सिम फ्लेम पर हम इसको होने देंगे। अब दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ सूखे आटे के साथ। यहाँ पे भी मैंने राजगिरी का ही आटा लिया है, इसको अमरनाथ का आटा भी बोलते हैं, अमरनाथ फ्लावर। तो इसमें हम थोड़े से सूखे आटे में इसको कोट करेंगे और फिर हम इसको बेलेंगे। मैंने एक ही बार लगाया है सूखा आटा,
हमेशा कोशिश करें आप कोई भी पराठा बनाएं सूखा आटा कम से कम लगाएं। हमारा पराठा बिल गया है, देखिए मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ, कितना अच्छा कलर आया है। जब भी आप पराठे बनाते हैं आप इस तरीके के स्पैचुला से या पलटे से पराठा बनाएं, जो छेद वाले होते हैं जिससे हम फ्राइंग करते हैं उससे कभी भी पराठे ना बनाएं, क्योंकि जब आप उसको दबा करके सेकते हैं तो आपके पराठे अच्छे नहीं, उन पे प्रेशर अच्छा नहीं आता है। तो अब हम यहाँ पे दोनों तरफ ऑयल डाल के इनको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। मैंने यहाँ पे सेकने के लिए भी देसी घी यूज़ किया है, आपकी प्रेफरेंस है। अगर आप रिफाइंड ऑयल या फिर कोई और ऑयल खाना चाहते हैं यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इन राजगिरी के पराठों को ज़रूर बना के देखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर ये पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिएगा। मैं भी आपको सूखे आटे से जो हमने डस्ट करके पराठा बेला है वो भी आपको दिखाऊंगी, और फिर आप देखिएगा दोनों के लुक में और फील में कितना फ़र्क है, टेक्सचर में। इसको हम प्लेट में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे अब मैं दूसरा पराठा डालती हूँ। देखिए ये जो हमने सूखे आटे से बनाया था ये अभी से ही बहुत ड्राई लग रहा है हमारा पराठा, बट अगेन ये आपकी चॉइस है आप किस तरह से इसको बनाते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस तरह से खाना पसंद करेंगे, ग्लॉसी और शाइनी वाले बिना सूखे आटे में लगा पराठा या फिर जो हमने घी लगा करके बेला था पराठा। इन पराठों को जैसे कि हमने इसमें आलू डाला है तो आप इसको चटनी या रायते या दही के साथ भी खा सकते हैं, बट आज मैं इसको सर्व कर रही हूँ व्रत वाली आलू की सब्जी के साथ। आप उसकी रेसिपी देख सकते हैं, मैंने उसकी रेसिपी डाली हुई है। तो फ्रेंड्स, जो आपको पराठे ड्राई लगते थे वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है। आप आलू मिक्स करके बनाएं और अपने फीडबैक और कमेंट्स मेरे साथ शेयर करें। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब आप मेरी रेसिपीज़ पे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी मिलता है। देखिए ये पराठा भी तैयार है, तो फ्रेंड्स आप बनाइए, इसको एंजॉय करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।